दोस्तों व्हाट्सएप तो आप सभी यूज करते हो। आप हर रोज व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। जीवन के तमाम पलों को अपने साथियों के साथ शेयर भी करते होंगे। अपनी फीलिंग्स बताने के लिए इमोजी का भरपूर यूज करते हैं, लेकिन कहीं आप अनजाने में गलत इमोजी तो नहीं भेज रहे? कहीं आप मस्ती की इमोजी की जगह प्लेबॉय वाली इमोजी तो नहीं भेज रहे? या फिर दुखी होने के लिए खुशी की स्माइली तो नहीं भेज रहे? इमोजी का सही मतलब जानकर आप चौंक जाएंगे। हम बताते हैं कि कौन सी इमोजी किस फीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इमोजी क्या है और क्यों इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इमोजी एक चित्र का ऐसा समूह है जो कि आपके चेहरे के भाव को एक छोटी सी इमेज द्वारा व्यक्त करता है। वर्तमान में हम दोस्तों और परिवार के संपर्क में रहने के लिए लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं। इमोजी इन सभी आधुनिक संचार माध्यम में मौजूद होते हैं। आजकल इन उपकरणों में भी काफी बदलाव आए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप मौजूद हैं जिनमें स्माइली, दुखी, गुस्से इत्यादि हर तरह की भावना को व्यक्त करने वाले चेहरे के साथ इमेज मौजूद होती है। यह आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है। आइए आपको बताते हैं कि इमोजी की शुरुआत कैसे हुई। इमोजी को शुरू में जापान में उपयोग किया जाता था और अब इसका इस्तेमाल पूरे विश्व में होने लगा है। पहली बार इसका आविष्कार और इस्तेमाल शिगातेका कुरीता ने किया था और 2011 में जब आईफोन ने इसको पेश किया तब से इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से होने लगा। इमोजी पीडिया के संस्थापक जेरेमी बर्ज ने 2014 में विश्व इमोजी दिवस मनाने का निर्णय लिया। उसके बाद 17 जुलाई विश्व इमोजी दिवस को वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इस इमोजी का इस्तेमाल हम किसी के हाथ जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, जैसे किसी को नमस्ते करना या किसी के आगे हाथ जोड़ना, लेकिन यह हाई फाई का निशान है जिसका मतलब है कि आप किसी दूसरे की बात का समर्थन करते हुए उसे ताली दे रहे हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल हाथ जोड़ने के लिए कर रहे हैं तो ये गॉन्ट है, अपने हाथों को गाल पर रखी हुई ये बिल्ली अचंभित करने का साइन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ऊब गया है या फिर थक गया है, इसलिए ज्यादा थक जानिया ऊब जाने के रूप में इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, कोई काम नहीं है, तो हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत है, बोइंग साइन है और चीन में इसका मतलब है कि आप किसी को सम्मान दे रहे हैं। इसलिए अगर आपको किसी को सम्मान देना हो तो आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इमोजी को देखने में लगता है कि ये चौंकाने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन ये चौंकाने का सिंबल नहीं है बल्कि किसी बात पर यकीन न करने का है। अगर आप किसी की बात पर विश्वास न करें, कोई बात को सोचने पर मजबूर कर दे, तो आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुखी होने के लिए यूज किए जाने वाला ये इमोजी दुखी या परेशान होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप किसी परिस्थिति को ठीक कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इसे दुखी होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गॉन्ट हैं। एक इमोजी जिसका सर नीले रंग का है और उसमें पानी की एक बूंद दिख रही है, इसे लोग दुखी होने का साइन मानते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा मेहनत करने का साइन है। जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको पसीना आता है और ये बूंद इस पसीने के बारे में बताता है। वही ये नीला रंग ठंड के लिए है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑफिस में ज्यादा काम करके थक जाते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बिल्डिंग पर एच लिखे होने से आप इसे घर का साइन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इमोजी अस्पताल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भी इस पर बना ये गुलाबी दिल पॉजिटिविटी को दिखाता है। इसलिए अगर आप किसी से अस्पताल में मिल जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये सबसे सटीक इमोजी है। जब हम किसी से बात करते हैं और अपने आप को दूसरे से ज्यादा बड़ा यानी अच्छा बताते हैं तो इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचते हैं कि इसमें लड़की अपने बालों के पीछे से हाथ ला रही है, लेकिन ये लड़की अपने हाथ को सीधा रखती है जो कि मदद करने का प्रतीक है। अगर आप किसी को मदद के लिए पूछना चाहते हैं तो आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इमोजी को हग इमोजी कहते हैं, जो किसी के साथ गेल मिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल किसी का विरोध करने या उसकी बात को नकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गोल्ड है। हम पर धाक जमाने या किसी को डांटने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इमोजी ओके इमोजी है। अगर आप किसी की बात से सहमत हैं या किसी को ओके कहना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमेशा इस इमोजी का इस्तेमाल दुखी होने या रोने के लिए करते हैं। आपको लगता है कि आंखों में से आंसू आ रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप थक कर गहरी नींद में सो रहे हैं और ये पानी आपके मुंह से निकल कर आ रहा है। इमोजी दिखने में एक कसल लगता है, लेकिन ये खुशी का इमोजी है। इसका मतलब है कि नाक से हवा निकल रही है और किसी बड़ी जीत के बाद होने वाली खुशी है। जब आप खुशी से पागल हो जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हर कोई इस इमोजी का इस्तेमाल आग या पटाखे के लिए करता है, लेकिन इसका मतलब किसी से इतराव होना है। आप अपने आप को स्टार के रूप में दिखाने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसका कोई खास मतलब नहीं है। इसके अनुसार किसी ने चश्मा लगा रखा है और कुछ नहीं, इसलिए इसका कोई अलग मतलब नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।